शिव कथा को किस प्रकार से श्रवण किया जाए, आप सभी भक्तों को ये जानना अत्यंत आवश्यक है। जो भगवान की कथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की मावन मंगल में कथा को श्रवण करने से पहले जीव को चाहिए कि महाराज वह सात्विक हो। कैसा हो? सात्विक हो। किसी भी प्रकार का व्यसन न करे, तामसिक वस्तुओं का परित्याग कर दे, लहसुन प्याज का परित्याग कर दे। उस लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। शिव महान पुराण की कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं को चाहिए कि वो लहसुन प्याज का त्याग कर दे। 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और 7 दिन, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें बिना झूठ बोले किसी की पार नहीं पड़ती है ना, तो ज्यादा भी नहीं तो 7 दिनों तक तो कम से कम सत्य व्रत को धारण करें, सत्य ही बोले, मिथ्या वचन नहीं बोले। 7 दिनों तक झूठ का परित्याग कर दें, भोजन करें, लेकिन कथा में जिन भक्तों से नहीं रुका जाए, जो भक्त फलाहार रहकर श्रावण में बाबा भोलेनाथ की कथा सुन रहे हो, फलाहारी रहकर के भी सुन सकते हैं। या कई लोग कहते हैं महाराज हम बिना अन्न जल लिए रह नहीं सकते, तो एक समय भोजन करके भी आप इस कथा को श्रवण करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। और जिन भक्तों से शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, किसी भी प्रकार से रोगों ने घेरा है, हा? नहीं रहा जाता महाराज, दवा लेनी होती है। या कईयों की जठराग्नि इतनी प्रचंड होती है महाराज, हर मिनट में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही होता है, तो उन भक्तों के लिए है। वो भक्त कथा में आवे उससे पहले थोड़ा हल्का खाए, ताकि कथा में आने के बाद आपको निद्रा ना सताए, क्योंकि जितना ज्यादा अन्न खा करके आओगे उतनी ही निद्रा सताएगी, नींद आएगी।